प्रदेश भर में नवरात्र पर्व के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में संक्रमण से बचाव के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। मंडी जिला के सराज क्षेत्र में केंद्र सरकार की जायका परियोजना के तहत स्थापित एप्पल ग्रेडिंग मशीन बागवानों के लिए हुई वरदान साबित, किसान व बागवान हो रहे हैं लाभान्वित। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में सिरमौर जिले में 14 गांवों को बनाया जाएगा आदर्श गांव, परियोजना पर 9 करोड़ 21 लाख रुपए होंगे खर्च। कांगड़ा जिला में हरिपुर बस अड्डा निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। 40 वर्षों से मौजूद खोखा धारकों ने निर्विरोध रूप से सरकारी जमीन की खाली। मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के तहत सोलन जिला की युवतियां हाथ से निर्मित उत्पादों का ले रही है प्रशिक्षण। जिला की सैकड़ों युवतियां ले रही है योजना का लाभ। कोरोना महामारी के चलते करीब 7 माह तक बंद रहे कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर एक बार फिर दौड़ती नजर आएगी ट्रेन। 20 अक्टूबर से शुरू होने वाली विशेष ट्रेन को रेलवे मुख्यालय ने दी मंजूरी। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के गांव-गांव जाकर कृषि विधेयक बिल के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हर गांव में नियुक्त किए जा रहे हैं किसान प्रहरी। ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को उभारने के लिए हमीरपुर के इंडोर स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। लगभग 500 के करीब युवाओं के भाग लेने की है संभावना। ऊना जिला के हम्बोली गांव में एक युवा दंपति ने जिले के बच्चों व युवाओं को बॉक्सिंग खेल की बारीकियां सिखाने के लिए शुरू की अकादमी।